हेलो 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 बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, इसी वजह से अभी जो पहले वाली स्ट्रीम थी वो बंद हो गई थी, इसीलिए दोबारा फिर से स्टार्ट करना पड़ा। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल भाई सबके? सो गुड गए सब लोग? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण बेटा। गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से बंद हो गया था, वो फिर से रिस्टार्ट करना पड़ा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा पंकज, माला तिवारी सब, गुड मॉर्निंग भैया। बिल्कुल बढ़िया है, आप लोगों से मिलके बढ़िया ही हो जाते हैं। सोनू सर की थोड़ी सी तबीयत खराब है। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलो भाई स्टार्ट किया जाए। हम लोग का कल परसों एग्ज़ाम है। थोड़ी तबीयत ये ख़राब होता है कि मतलब कि चल सकते हैं, फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, गा सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। जहाँ तबीयत ख़राब होने का मतलब ये होता है कि मतलब कि समझ जाओ मतलब खाना पीना बंद हो जाए, ये होता है। नहीं आज होगी शायद, मेरे ख्याल से होगी, आज नहीं हो पाएगी तो हाँ कल हो जाएगी पक्का। तो चलो भाई स्टार्ट किया जाए। तो बात ये है कि पेपर है कल, एक सैटरडे संडे पेपर है, फिर से पेपर आ चुका है और हम लोग को मेमोरी बेस्ड पेपर करना ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में एग्ज़ाम में कैसा पैटर्न आ रहा है, कितना लेवल आ रहा है। मैं पहले भी कहूँगा कि एक चीज़ की बहुत लोग ग्रुप में बात कर रहे थे कि पेपर टफ था, ठीक है चलो देख लेते हैं भाई हम लोग आज कितना टफ था। ठीक है, एक पेपर हम लोग क्लास में सॉल्व कर ही चुके हैं, आज दूसरा पेपर है, चलो देखते हैं फिर स्टार्ट किया जाए। जय श्री राम किया जाए भाई। चलिए फिर, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। छोटा सा एक सिटिंग अरेंजमेंट है जिसमें दो रो हैं, चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करिए देखा जाए। 12 लोग बैठे हैं, दो लाइनों में बैठे हैं, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग।
यहाँ पे एक चीज़ बोली गई है कि जो पहली रो है वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं और जो दूसरी रो है वो साउथ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, डन। चलो भाई देख लेते हैं। तो 1 2 3 12 लोग ना, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऊपर वाली पहली रो है, पहली रो वाले किधर देख रहे हैं? नॉर्थ डायरेक्शन में ऊपर देख रहे हैं, ये वाले नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है। और ये वाले किधर देख रहे हैं? साउथ देख रहे हैं। रो टू वाले किधर देख रहे हैं? साउथ देख रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना क्योंकि वहाँ पर एक लाइन लिखी गई है रो टू में है पी, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो चलो, पी हु स्टैंड इन रो टू स्टैंड सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। पी जो है सेकंड राइट बैठा किसके? टी के बैठा है। एल फेसेस के, एल जो है के सामने है। अगला बोला गया है टू स्टैंड स्टैंड बिटवीन के एंड ए, ए हु इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। तो भैया एक रो मानना पड़ेगा हमें यहाँ पर, थ्री स्टैंड बिटवीन एफ एंड डब्ल्यू। एफ एंड डब्ल्यू पता नहीं किस रो में है। एफ फेसेस निम्न नंबर ऑफ पी। एफ के बारे में पता चल चुका है कि एफ जो है उसके सामने बैठा है जो पी, पी सेकंड रो में, इसका एफ जो है फर्स्ट रो में होगा। के सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, के बारे में बात हो रही है, के जो है डब्ल्यू सेकंड लेफ्ट है। डब्ल्यू डज नॉट फेस बी, आर स्टैंडिंग राइट ऑफ एस, आर एन डज नॉट फेस ए, क्यू स्टैंडिंग सेम रो एस के। तो चलो भैया एक मानना पड़ेगा, यहाँ थोड़ी पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो ए मान लेते हैं यहाँ पर बैठा है, तो टू स्टैंड स्टैंड बिटवीन के एंड ए, के और ए के बीच में दो लोग बैठे हैं, तो के को यहाँ कर दिया जाए, ठीक है। अगला बोला कि कहीं पर जी फेस द मिनिमम ऑफ बी, ओनली वन स्टैंड बिटवीन बी एंड एल, पता नहीं है। थ्री स्टैंड बिटवीन एफ एंड डब्ल्यू, एफ फेसेस द मिनिमम ऑफ पी। के स्टैंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, के सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, के जो है सेकंड लेफ्ट किसके? डब्ल्यू के। तो डब्ल्यू सेकंड लेफ्ट इधर ही जाए क्योंकि भाई ये लोग साउथ देख रहे हैं। डब्ल्यू डज नॉट फेस वी, डब्ल्यू के सामने वी नहीं है। आर स्टैंड टू राइट ऑफ एस, आर एंड एस डू नॉट फेस ए, एंड क्यू स्टैंड इन सेम रो एस के। तो अब दूसरी रो बात करते हैं। एल फेसेस के, यहाँ पे लिखा हुआ है एल जो है के सामने है, ठीक है। और कहीं पर एल की बात हो रही है? ओनली 1% बिटवीन वी एंड एल, और वी जो है किसके सामने नहीं है? कहीं बोला गया था डब्ल्यू डज नॉट फेस वी, तो वी को यहाँ कर दिया जाए। और क्या लिखा था? लाइंस कंडीशन आगे ऊपर नीचे है। के सेकंड टू लेफ्ट डब्ल्यू, ये सब हो चुका है। डब्ल्यू आर स्टैंड टू राइट ऑफ एस, आर एंड एस डू नॉट फेस ए। आर और एस जो है, आर स्टैंड टू राइट ऑफ एस, आर जो है एस के तुरंत तो राइट साइड है, तो आर इधर कर दिया जाए, एस इधर कर दिया जाए, ठीक है। और सेकंड टू द राइट ऑफ टी, यहाँ पर पी हु स्टैंड इन रो टू स्टैंड सेकंड टू द राइट ऑफ टी, तो टी का राइट इधर जाएगा, टी यहाँ कर दो भैया। कौन था? पी। और हो गया टू स्टैंड बिटवीन के एंड ए, हो गया है। जी फेस द मिनर ऑफ वी, जी जो है वी के तुरंत पड़ोसी के सामने है। वी कौन सी? डब्ल्यू इज नॉट फेस वी। चलो जी और वी बचा है। ओनली 1% बिटवीन वी एंड एल, वी और एल के बीच में केवल एक लोग है, ये हो चुका है। तो जी फेस द मिनर ऑफ बी, तो जी को यहाँ कर दिया जाए। और कुछ बचा है? कंप्लीट तो हो चुका है, कुछ बचा? ओनली 1% बिटवीन वी एंड एल हो चुका है। थ्री स्टैंड बिटवीन एफ एंड डब्ल्यू, एफ और डब्ल्यू के बीच में तीन लोग हैं। गलत हो गया, गलत हो गया। पॉसिबिलिटीज यहां पर चेक करनी थी, वो जो गलत हो चुकी है, एक पॉसिबिलिटीज गलत हो चुकी है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी चेक किया जाए, क्योंकि यहां पर कौन पर्सन किस रो में है हम लोग को कोई भी कंफर्म पता नहीं है। कौन सा पहली रो में है, कौन सेकंड रो में है, ये बात हम लोग को पता नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए थोड़ी सी पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा कह सकते हो, ठीक है। एक लाइन गलत हो गई है, ये वाली एफ कौन सी? थ्री स्टैंड स्टैंड बिटवीन एफ एंड डब्ल्यू, एफ और डब्ल्यू के बीच में तीन लोग हैं। हाँ सर गलत है, क्यों? क्यू के रो में है, गलत हो गया ना, बोल तो रहे हैं हम। क्वेश्चन तो अच्छा है, लेकिन बस ये मेन बात है कि क्या बोलते हैं,
ये हम लोग को पता नहीं है कौन सा पर्सन किस रूम में बैठा है, इसीलिए चलो भाई सेकंड ट्राई किया जाए। कुछ गड़बड़ सर? अरे गलत हो गया है, गलत हो गया, हम बोल तो रहे हैं, बोल तो रहे हैं, गलत हो गया है भैया, क्योंकि पॉसिबिलिटीज यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर किसी पर्सन का फेस क्लियर नहीं है, कौन सा पर्सन किस रूम में बैठा है। बात समझ में आई ना? देखो ध्यान सुनो, हम लोग की सारी तरीके कहाँ चलते हैं, जब हमें ये पता हो कि कौन सा पर्सन किस रूम में बैठा है, ठीक है, सारे तरीके। लेकिन अगर यही ना पता चले पे कौन सा पर्सन किस रो में बैठा है, तो समझ जाना वहीं से पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सिंपल सी बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो पी यू स्टैंड इन रो टू, स्टैंड सेकंड टू द राइट ऑफ टी, तो मान लेते हैं टी का राइट इधर जाएगा, टी यहाँ पर, पी यहाँ पर, टू स्टैंड बिटवीन के एंड ए, के एल फेसेस के, टू स्टैंड बिटवीन के एंड ए हुज एट वन ऑफ द एस्टिमेंट, ए यहाँ मान लेते हैं, एक दो छोड़ के यहाँ पर किसको मान लेते हैं, के नहीं हो पाएगा, पी और टी को इधर किस खाना पड़ेगा। अरे सर आप मेरा कमेंट लेट में पढ़े हैं बेटा, मुझे लेट दिखाई दे रहा है तो मुझे लेट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पी को चेंज कर दिया जाए, तुम लोगों का कमेंट मुझे थोड़ा सा 1 मिनट लेट मिलता है ना, इसलिए। हाँ बिल्कुल, मेमोरी बेस्ड पेपर क्वेश्चन नहीं है। जी फेस द मिनर ओनली वन पर्सन स्टैंड बिटवीन बी एंड एल, बी और एल के बीच में एक लोग हैं, तो मान लेते हैं बी यहाँ बैठा है, ठीक है। थ्री स्टैंड बिटवीन एफ एंड डब्ल्यू, एफ और डब्ल्यू के बीच में 3 लोग बैठे हैं, एफ फेसेस द मिनर ऑफ पी, एफ जो है मिनर ऑफ पी के पड़ोसी, के सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, और डब्ल्यू डज नॉट फेस बी, हो गया। आर स्टैंड टू राइट ऑफ एस, आर एंड डज नॉट फेस ए, क्यू स्टैंड इज सेम मिनर ऑफ के, ठीक है। चलो यहाँ पर ताना श्रीवास्तव तुम्हारा उल्टा बना है, उल्टा बना है मतलब ये, मतलब कि कौन सा पर्सन फर्स्ट रो में है, कौन सा पर्सन सेकंड रो में है। यहाँ पर एक लाइन बोल रखी है, देखो इन्होंने बोला स्टूडेंट इन रो वन आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, जो पहली रो में है वो नॉर्थ देख रहे हैं, जो दूसरी रो में है वो साउथ देख रहे हैं, ठीक है। तो पी जो है सेकेंड रो में है, ठीक है। नंबरिंग गलत है तुम्हारा, हाँ बिल्कुल रो की नंबरिंग गलत है तुम्हारा, फिर से सही करो, मतलब तुम्हारा उल्टा बन जाएगा। जो पहली रो वाले किधर देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ, दूसरी रो वाले किधर देख रहे हैं, साउथ की तरफ। तो पी वी टी एल आर एस जो तुमने बनाया है, ठीक है, क्वेश्चन सही बनेगा, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब लेफ्ट और राइट काउंटिंग करने की बात आएगी, उसके अपोजिट कौन बैठा है, तब वो वाला आंसर गलत आएगा। हाँ उससे बोला गया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटीज गलत है।
ए एस्टिमेटर बैठा है, दो लोग बैठे हैं, ए और के बीच में, के किसके सामने है, एल के सामने है, ठीक है। और क्या बोला, पी स्टैंड रो टू सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, टी सेकेंड राइट, टी यहाँ कर दिया जाए, पी स्टैंड रो टू सेकेंड राइट ऑफ टी, और पी यहाँ पर हो जाएगा, देखते हैं 1 मिनट चेक करके, चलो देख लेते हैं भाई। जी फिर से मैंने, और वी जी जो है पड़ोसी है किसके, वी के पड़ोसी का, जी सामने बैठा है वी के पड़ोसी का, ओनली वन सिस्टम बिटवीन वी एंड एल, वी और एल के बीच में एक लोग हैं, तो वी को यहाँ कर दिया जाए, उधर भी हो सकता था। 1% बिटवीन बी एंड एल हो चुका है, 3% बिटवीन एफ एंड डब्ल्यू, एफ और डब्ल्यू के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो केवल नीचे तो आ नहीं सकता, ऊपर ही जाएगा। चलो ये हो गया है, और बोला गया है कि एफ फिर से मैंने बोला, पी एफ जो है पी के पड़ोसी सामने, उसका अगला एफ यहाँ रहेगा, अगला ही पॉइंट वही वाला था। एफ यहाँ पर, यहाँ पर डब्ल्यू हो गया है, और क्या बोला गया था, डब्ल्यू डज नॉट फेस बी हो चुका है, के सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू हो चुका है, डब्ल्यू डज नॉट फेस बी, आर इज सेंटेंट इमीडिएट राइट ऑफ एस, आर जो है इसके तुरंत राइट साइड है, आर और एस दोनों ए के सामने नहीं है, सही है, क्यू स्टैंड सेम रो एस के, क्यू जो है के सामने है, और एक लाइन क्या भूल गए थे, जी फेस इमीडिएट ऑफ बी, जी जो है पड़ोसी है बी के, यहाँ पर क्यू, सही था, सही था। प्रीतिम कहना सर जो पहले रो में है वो साउथ और जो सेकंड रो में है वो नॉर्थ साइड नहीं हो सकते सर। देखो एक बात सुन लो ध्यान से, यहां पर एक लाइन लिखी है पी हु स्टैंड इन सेकंड रो, इस वजह से जैसा उन्होंने बोला है हमको उस तरह से बनाना पड़ रहा है, ध्यान सुनना इस बात को, सही है तुम्हारा, गलत नहीं है, लेकिन आगे पीछे वो नंबरिंग जो आगे पीछे, यहाँ पे देखो इन्होंने एक लाइन बोला कि पी हू स्टैंड इन रो टू, इस वजह से हमको वैसा ही बनाना पड़ रहा है जैसा स्टेटमेंट में बोला गया है। और दूसरी चीज़, अगर अभी इसको नॉर्थ करना हो या इसको साउथ करना हो, हमें देखो जैसे इसको साउथ करना है, जैसे इस वाली रो को साउथ तरफ फेस है, इसको नॉर्थ करना है, नॉर्थ करना है मतलब पहली रो में सेकेंड रो में बैठाना है, सेकेंड रो में बैठेगा तो नॉर्थ हो जाएगा, तो इसका मतलब ऐसे बन जाएगा एस आर एल टी वी पी, मतलब इस तरह से बन जाता है वो, बिल्कुल क्वेश्चन अच्छा था, एक बार मेरा भी सर दर्द करवा ही है, मेरा भी सर दर्द करवा ही चुका है, सुबह सुबह पहला क्वेश्चन सर दर्द करवा दिया, क्योंकि उसमें यही नहीं कंफर्म था कि कौन सा पर्सन किस रूम में बैठा है, तो पॉसिबिलिटीज अपने आप ही वहीं से क्या हो गई, बढ़ गई। चलिए अगला क्वेश्चन, टाइम पासिस का कोड पूछा है, टाइम है कहीं, है हार्ड है कहीं, है बेटा समझो, सारी कलाकारी वहां चलती है, ध्यान सुनना इस बात को, सपना गुप्ता जो बोल रही है, तो बेटा ध्यान सुनना इस बात को, सारी कलाकारी हम लोग वहां कर सकते हैं जहां पर हमें ये पता हो कि कौन सा पर्सन किस रो में बैठा है, ठीक है, ध्यान सुनना इस बात को, लेकिन जब हमें यही नहीं पता हो कि कौन सा पर्सन किस रो में बैठा है, तो समझ जाओ पॉसिबिलिटीज अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो पूछा गया है टाइम पासिस कोड, टाइम पासिस दोनों यहाँ पर है, साथ में कौन है, हार्ड यहाँ पर भी है, तो हार्ड से हार्ड का कोड अगर गायब कर दिया जाए तो एम एन यहाँ पर है, एम एन यहाँ पर है, बचा कौन सा, ए बी ई एफ, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी ई एफ, सारे ऑप्शन ए है, कोई बात नहीं।
आप लोग अपने हिसाब से ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। अच्छा, वर्शिप का कोड बताना है, वर्शिप का कोड बताना है, इसका कोड बताना है, वर्शिप का। जल्दी से बताइए वर्शिप का कोड क्या होगा। वर्शिप का कोड क्या होगा जल्दी से बताइए। वर्शिप कोड आ रहा है PQ। चलो भैया, ऑलवेज और डू है, ऑलवेज कॉमन है, लेकिन क्या कहीं डू कॉमन है, वर्शिप कॉमन है कहीं? हाँ, पहले में कॉमन है वर्शिप, वर्शिप पहले, दूसरे में कॉमन है, क्या है? PQ। PQ आंसर हो गया, PQ सही है। अरे RT नहीं, PQ है। देखो जरा, वर्शिप यहाँ पर भी है, वर्शिप यहाँ पर भी है, देखो जरा ये, और कोई चीज़ तो कॉमन नहीं है, केवल वर्शिप कॉमन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? PQ। RT किसका कोड है? RT कहाँ गया? ये किसका कोड है? RT किसका कोड है ये पूछा गया है। सेकंड में वर्क आया है लेकिन RT नहीं आया है, इसका मतलब इसका कोड है RT। बे बेकार ही सब क्वेश्चन। चलो ये लगाओ, मतलब कोड, चाइनीज कोडिंग भी कोई लगाता है क्या? मतलब 5वीं क्लास के बच्चे को अगर चाइनीज कोडिंग दे दी जाए तो वो भी कर लेगा। सोचो, तुम लोग PO बनने जा रहे हो और उस एग्जाम में पूछा जा रहा है चाइनीज कोडिंग। चलो भाई, तेरे साथ 7 लोग हैं, कंसेक्यूटिव वर्टिकल रो है, वर्टिकल रो का मतलब ये लोग इस तरह से खड़े हैं, एक दो तीन चार पाँच छ और ये 7। गुड मॉर्निंग बेटा। तो सब लोग को अलग अलग फ्रूट पसंद है। 2% शिफ्ट बिटवीन बी एंड द वन लीची, ए सिट्स इमीडिएट। बी और लीची के बीच में कितने लोग हैं भैया? 2 लोग हैं, ठीक है। ए सीट से मतलब वन लाइन, लीची ए तुरंत ऊपर है, लीची के तुरंत ऊपर है भैया। अगला बोला गया है कि मोर देन 4% स्टैंड बिटवीन जी एंड एफ, एफ हू लाइक ग्रेप्स और एफ सिट एट द बॉटमोस्ट पोजिशन। तो एफ यहाँ पर बैठेगा, एफ को क्या पसंद है भैया? ग्रेप्स पसंद है। एफ और जी के बीच में 4 से ज़्यादा लोग हैं, तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5 लोग होंगे, तो जी को यहाँ कर दिया जाए भाई। हो गया। अगला बोला है कि एफ सिट्स द बॉटम पोजीशन, ए लाइस सिट्स बिलो जी बट नॉट इमिडिएटली बिलो, डी लाइस ऑरेंज सिट्स बिलो द वन हु लाइस बनाना एंड अबव सी, जी डज नॉट लाइक बनाना। सिंपल सा क्वेश्चन है। बी और लीची के बीच में, बी ए के बीच में कितने हैं? 2 लोग हैं, तो बी को अगर मान लेते हैं यहाँ कर दिया जाए, तो 1, 2 छोड़ के लीची यहाँ आ जाएगा, लीची के तुरंत ऊपर यहाँ पर ए आ जाएगा। और क्या बोला गया था? ए लैक्स वाह हो गया है, सिट्स बिलो जी, डी हु लैक्स ऑरेंज सिट बिलो द वन लैक्स बनाना एंड अबव सी। क्या बोला गया? डी हु लाइक्स ऑरेंज सिट्स बिलो द वन हु लाइक्स बनाना एंड अबव सी। डी लाइक्स, सॉरी ऑरेंज था, डी हु लाइक ऑरेंज सिट्स बिलो द वन हु लाइक बनाना एंड अबव सी, सी के ऊपर है,
सी यहाँ कहीं भी हो सकता है, और अगला बोला गया है जी डज नॉट लाइक बनाना, वो तो हो ही चुका है। कौन सा बचा है भाई, एक पॉइंट बचा है। 2% इन बी एंड द वन लाइक लीची, बी और लीची के बीच में दो लोग हैं, हाँ है सही है। ए सिट्स इमिडिएट अबाउट द वन लाइक लीची, ए तुरंत ऊपर है लीची के, सही है। बी लाइक्स कीवी, गलत हो गया। एक पॉइंट और नीचे खिसकाना पड़ेगा, एक पॉइंट और नीचे खिसकाना पड़ेगा, गलत हो गया। तो क्या बोला गया था, 2% बी एंड लाइक लीची, बी और लीची के बीच में कितने लोग हैं, दो लोग हैं, तो बी को यहाँ कर दिया जाए, लीची को यहाँ कर दिया जाए, पिछली बार लीची ऊपर रखे थे। ठीक है, चलो ये हो गया है। अगला बोला गया है कि ये हो गया है बी लाइक कीवी, बी को कीवी पसंद है, हो गया है। एफ सिट्स बॉटम क्वेश्चन, ए लाइक गुआवा एंड सिट्स बिलो जी, ए जो है गुआवा पसंद करता है। अगला डी हु लाइक्स ऑरेंज सीड्स बिलो द वन लाइक बनाना, डी जो है बनाने नीचे, डी को यहाँ कर दिया जाए, डी हु लाइक्स ऑरेंज, सॉरी बनाना यहाँ कर दिया जाए क्योंकि बनाना जी को पसंद नहीं है। सी नीचे रहेगा, एक नाम बचा है ए बी सी डी ई, तो ई को यहाँ कर दिया जाए। एक फ्रूट का नाम बचा है, कौन सा बचा है, एप्पल बचा है। तो भैया दो पॉसिबिलिटीज थी, दो पॉसिबिलिटीज थी, एक पॉसिबिलिटी थी कि बी को यहाँ कर दिया जाता, सेकंड नंबर पर रख दिया गया, सेकंड नंबर पर रखे तो गलत हो गया, तो तुरंत कहाँ गए, तीसरे वाले क्वेश्चन पे आ गए। तो दो पॉसिबिलिटीज इस क्वेश्चन में। मैथ्स क्लास नहीं होगी क्या ऐप पर, बेटा इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते, शायद नहीं हो पाएगी आज, शायद नहीं हो पाएगी। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलो भाई सिलोग आ जाओ, सिलोग सिलाओ भाई, जल्दी जल्दी सिलाओ भाई। चलो जल्दी सिलाओ का आंसर बताइए, सिलाओ का पहले 81 क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोथ आ रहा है अभी कुशवाहा, वैष्णवी शर्मा बिल्कुल सही है, किसका सही है, बिल्कुल तुम्हारा कि हमारा आंसर। पिंकी मौर्य, नीलम पांडे, सेकंड फॉलो, अंश ओवर टू बोथ। चलो भाई देख लेते हैं, सम सर्किल और नो ट्राइंगल है लिखा है, सर्किल ऐसे कुछ हैं जो ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। अगला बोल रखा है ओनली अ फ्यू स्क्वायर्स आर ट्राइंगल, केवल कुछ स्क्वायर ऐसे हैं जो क्या है, ट्राइंगल है, इसका मतलब कुछ स्क्वायर ऐसे होंगे जो ट्राइंगल नहीं भी होंगे। और बोला गया है कि नो रोम्बस आर स्क्वायर, ये कर दो भैया, ठीक। चलो भैया पहला बोला कि ऑल रोम्बस बीइंग ट्राइंगल, सारे रोम्बस ट्राइंगल होना संभावना है, बिल्कुल पहला सही है। सम स्क्वायर कैन नेबर बी सर्कल, सम स्क्वायर कैन नेबर बी सर्कल, दूसरा गलत है। देखो एक बात ध्यान से सुन लो, मैंने एक बात आपको समझाई थी क्लास में, मैंने बोला था कैन नेबर कब सही होगा, अगर जिसके बारे में कैन नेबर लग रहा है, किसके बारे में लग रहा है भैया, स्क्वायर और सर्कल के बीच में कैन नेबर लगा है, स्क्वायर सर्कल के बीच में अगर कैन नेबर लगा है, तो अगर उनके बीच में कोई नेगेटिव बात होगी, अगर उनके बीच में कोई नेगेटिव बात सही होगी तभी ये भी सही होगा, लेकिन क्या इनके बीच में कोई नेगेटिव बात सही है,
जल्दी देखो जरा ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, अगर हम सारे स्क्वायर को इधर देखना, बस ध्यान से इधर सर्कल, सॉरी ये रहा ये ट्रायंगल, ये रहा स्क्वायर, और सारे स्क्वायर को अगर हम किसके अंदर कर देते हैं, सर्कल के अंदर कर लेते हैं, तब भी सर्कल का कुछ हिस्सा ऐसा है जो ट्रायंगल नहीं हो रहा है, लेकिन सारे स्क्वायर कहाँ आ सकते हैं, सर्कल में आ सकते हैं, इसीलिए दूसरा क्या हो जाए, गलत। ध्यान सुनना इस बात को, मैंने पहले भी समझाया तो मैं फिर समझा दे रहा हूँ। कैन नेवर कब सही होगा, जब उनके बीच में कोई नेगेटिव स्टेटमेंट होगा तभी सही होगा। जैसे जैसे यहाँ बोलते थे सम सर्कल कैन नेवर बी ट्राइंगल, सही है, क्योंकि सर्किल कुछ हिस्सा ऐसा है जो कभी भी ट्राइंगल नहीं हो सकता है। ऑल सर्किल कैन नेवर बी ट्राइंगल, पूरा सर्किल जो है कभी भी ट्राइंगल नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही है। इधर देखो ट्राइंगल का कोई कुछ हिस्सा कौन लिया है, स्क्वायर लिया है, और ये रोमबस है, और बोला यही बोला जाए ट्राइंगल और रोमबस के बीच में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। बात समझ में आई ना, तो सिंपल सी बात है कि जहां पर जिनके बीच में नेगेटिव बात होगी अगर उनके बीच में कैन नेवर बोलेगा तब सही होगा, लेकिन अगर किसी के बीच में रिलेशन क्या है, कांट से है, और या फिर क्या हो पॉजिटिव हो, अगर किसी के बीच में रिलेशन जिनके बारे में, जैसे स्क्वायर और सर्किल के बीच में रिलेशन क्या है, कांट से है, और कांट से है तो इसका मतलब यहाँ पर कैन नेवर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जहाँ पर रिलेशन कांट से हो या फिर क्या हो पॉजिटिव हो तो कैन नेवर क्या हो जाएगा, गलत, और जहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाएगा तो वहाँ पर कैन नेवर क्या हो जाएगा, सही। क्लियर मेरी बात, मेरी बात क्लियर है, जल्दी से बोलो यस और नो। जल्दी से बोलिए यस और नो, कैन नेवर वाली बात समझ में आ गई। ओके चलो भाई, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, चलो जल्दी से बताओ भाई। ओनली समर इज हॉट, ओनली अ फ्यू समर इज रेनी, इसका मतलब कुछ समर ऐसे भी हैं जो रेनी नहीं है, और सम विंटर इज रेनी। चलो बताओ कौन सा सही है। डी नेहा जायसवाल, डी नन। पहला गलत है, जल्दी से बोलो पहला गलत है। अपूर्व सिंह का आंसर आ चुका है, पहला सही है। इन्होंने क्या बोला था, एक बात ध्यान सुनो, दोनों गलत है, सही है, दोनों गलत है। देखो इधर ओनली समर इज हॉट, केवल समर ही ऐसा है जो क्या हो सकता है, हॉट हो सकता है, ध्यान सुनना इस बात को। ओनली समर इज हॉट, केवल समर ही ऐसा है जो हॉट हो सकता है, तो सिंपल सी बात समझ जाओ कि कोई दूसरा पर्सन जो है हॉट नहीं हो सकता है। स्टेटमेंट में ही बोला गया है केवल समर ही ऐसा है जो है हॉट हो सकता है, इसका सीधा मतलब ये होता है कि कोई भी दूसरा पर्सन जो है हॉट नहीं हो पाएगा। क्लियर है, दूसरा सम रेन इज नॉट समर, उल्टा बोल रखा है यहाँ पर, दूसरा क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर बोथ डज नॉट फॉलो, मतलब आंसर नंबर डी है, नाइदर वन नॉट टू। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ऑल बस ट्रेन, सारी बस जो है ट्रेन है, ओनली अ फ्यू बाइक्स आर ट्रेन, केवल ये बस था, ओनली अ फ्यू बाइक्स आर ट्रेन, केवल कुछ बाइक्स ऐसी हैं जो क्या है ट्रेन है, इसका मतलब कुछ बाइक ऐसी भी होंगी जो ट्रेन नहीं होगी। सम बाइक इज नॉट कार, अगला बोला है सम बाइक इज नॉट कार। चलो तो पहला बोला है ऑल बस बीइंग कार इज ए पॉसिबिलिटी, सारे बस का कार होना संभावना है। जल्दी से बोलिए,
सॉरी। कोई आ गया था रूम में? चलो भाई, ऑल बस बीइंग कार्जे पॉसिबल, सारे बस करने से मौना है, बिल्कुल सही है, पहला सही है। दूसरा बोला का नो बस इज बाइक, कोई बस जो है बाइक नहीं है। दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया, केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। केवल पहला सही है, दूसरा क्या है, गलत है। पहला सही है भैया, ऑल बस बीइंग कार इज अ पॉसिबिलिटी, बस यहाँ पर है, कार यहाँ पर है, ये बाइक नहीं। मना किसको किया गया था, कार को बाइक से मना किया गया था, बाइक का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कार नहीं है, लेकिन बस से मना नहीं था। ठीक है, तो बस से मना नहीं था, इसका मतलब सारी बसें जो है कहाँ सकती हैं, कार के अंदर आ सकती हैं। केवल पहला सही है। अगला, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अगला क्वेश्चन, नो चॉकलेट्स आर बिस्किट, कोई भी चॉकलेट बिस्किट नहीं है। अगला बोला है ओनली फ्यू बिस्किट आर चिप्स, ये चॉकलेट है भैया। कुछ लोग के मुंह में पानी आ चुका होगा चॉकलेट की आवाज़, मतलब नाम सुन के। ओनली फ्यू बिस्किट आर चिप्स, केवल कुछ बिस्किट ऐसे हैं जो चिप्स हैं। सम चिप्स आर जूसेस, कुछ चिप्स ऐसे हैं जो क्या है, जूस हैं। तो पहला बोला गया सम बिस्किट आर जूसेस, बिस्किट यहाँ पर है, जूस यहाँ पर है, कोरिलेशन नहीं है। नो बिस्किट आर जूसेस, कोरिलेशन नहीं है, क्या लग जाएगा, आइदर और। एक बार पॉजिटिव, दूसरी बार क्या है, नेगेटिव, आइदर और, बिल्कुल सही है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन आ चुका है, चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो। मेरे लिए जगह कम पड़ जाएगी, हम सोच रहे हैं लिखेंगे कहाँ। कितने लोग बैठे हैं? 6 लोग बैठे हैं। डिफरेंट सिटीज है, टू डिफरेंट डेट है। ठीक है, तो सिटी का दे रखा है, हाँ दे रखा है भैया। मेमोरी बेस्ड पेपर है, हम तो देने नहीं गए थे। चलो बोला गया है 7 मार्च, फिर 16 मार्च, फिर 7 अप्रैल, फिर 16 अप्रैल, फिर 7 मई, फिर 16 मई। ठीक है, ये बेस बन गया हम लोग का। देखते हैं भाई, बी गोज इन अ मंथ विच हैज एन ऑड नंबर ऑफ डेज, ऑड नंबर मतलब 31 डेज, तो मार्च में भी है, मई में भी है, ऑड नंबर डेट को है, तो इसका मतलब दो पॉसिबिलिटीज है, बी कहाँ जाएगा, या तो 7 मार्च को होगा या तो 7 मई को होगा। तो मान लेते हैं बी यहाँ पर है, और इसे मान लेते हैं बी यहाँ पर है। ठीक है, अगला बोला गया है 2 पर्सन गोन बिटवीन बी एंड वन गोज पुणे, बी और पुणे के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो इसका मतलब पुणे यहाँ जाएगा, और 1 2 छोड़ के पुणे यहाँ चला जाएगा। अगला बोला गया है ओनली 2 पर्सन गो आफ्टर द वन गोज टू वाराणसी, वाराणसी के बाद केवल 2 लोग हैं, तो ये वाली कंडीशन गलत हो चुकी है, तो ये वाला सही है, वाराणसी यहाँ जाओ भैया, केवल 2 लोग जाते हैं वाराणसी के। हमारा मालूम बेटा निधि सिंह, हमारा जो है एप्लीकेशन, मतलब कि जो रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, तो वही मना करते थे भैया, अब तुम इस लायक नहीं रहे कि तुम एग्ज़ाम दे पाओ, तो अब वहाँ देने जाने नहीं देते, इसीलिए हम यहाँ पर दे लेते हैं पेपर, मेमोरी बेस्ड। ठीक है,
ए गोज टू दिल्ली ऑन ऑड नंबर डेट, ए जो है दिल्ली जाता है ऑड नंबर डेट को जाता है, इसका मतलब कहाँ जाएगा, 7 मई को या 7 अप्रैल को, पता नहीं। ए और एफ के बीच में केवल एक लोग हैं, तो एज मेनी पीपल गोज आफ्टर एफ एज गोज आफ्टर सी, एफ के बाद जितने लोग हैं उतने लोग सी के हैं। अगर मान लो कि ए को यहाँ कर दिया जाए, एफ को यहाँ कर दिया जाए, तो इसका मतलब सिंपल सा, चलो देख लेते हैं, ए यहाँ कर दिया जाए, एफ को यहाँ कर दिया जाए, और एफ के बाद जितने लोग हैं उतने लोग सी के पहले हैं, एफ के पहले जितने लोग हैं उतने लोग सी के बाद हैं, उल्टा। मोर देन 2% गोज बिटवीन डी एंड ई, ई हू गोज टू इंदौर, ई जो कहाँ जाता है, इंदौर जाता है भैया, ए को यहाँ कर दिया जाए, इंदौर जाता है, ए दिल्ली जा रहा था, और किसके बीच में जाता है, डी और ई के, तो डी को यहाँ कर दिया जाए। अगला बोला गया है एफ डज नॉट गो टू चेन्नई, एफ चेन्नई नहीं जा रहा है, चेन्नई यहाँ जाएगा, और लास्ट में बचता है क्या, जयपुर। मन गया, जल्दी बोलो, बन गया। देखो बात सही है, जय हिंद बेटा, जय हिंद, जय हिंद। लग रही है हमें सही बताया, नींद, चाय नहीं मिली अभी सुबह से, उठते माने क्लास लेने लग गए जैसे ही उठे। अगला क्वेश्चन, इनइक्वेलिटी आ गई है, 90 क्वेश्चन का आंसर, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, 90 का आंसर। यार ये सुबह वाली क्लास नहीं होनी चाहिए, एक चाय के लिए हम सरदर्द मोल नहीं लेना चाहते, बाहर दुकान पर जाके पी लेंगे। चलो भाई पहला देखते हैं, यहाँ पर एच ग्रेटर देन एफ, एच और एफ के बारे में बात कर रहा है, एफ यहाँ पर है, एच कहाँ है भैया, यहाँ पर है, कॉमन क्या है, जे कॉमन है, एच और जे देखो बराबर है, एच और जे बराबर है, तो सिंपल सी बात है, जहाँ पर जे होगा वहाँ पर हम एच रख सकते हैं, तो एच ग्रेटर देन एफ पहला सही हो गया। दूसरा बात कर रहा है के और जी के बारे में, के और जी के बारे में, के बराबर किसके, एल के बराबर है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, के से ये कहाँ जाओगे, एल यहाँ पे जाओगे, के से जे जाओगे, जे से जी जाओगे, तो सिंपल सी बात है अपोजिट डायरेक्शन होगा, यहीं पे गलत हो गया, केवल पहला सही है दूसरा गलत है। नाइन्टी वन देखा जाए भैया, 91 का आंसर आ रहा है नन, निखिल शैलेश सारा आंसर एक साथ, वेरी गुड। पी ग्रेटर देन क्यू, पी क्यू के बारे में बात कर रहा है, देखो पी यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, कॉमन क्या है, डब्ल्यू पी एक्स, डब्ल्यू पी एक्स, डब्ल्यू पी एक्स में कुछ है नहीं, तो यहाँ पर जाओ डब्ल्यू आर एम, तो डब्ल्यू पी से जाना है, पी से डब्ल्यू जाएंगे, डब्ल्यू किसके बराबर है, आर के बराबर है, आर ग्रेटर देन क्या है, क्यू है, तो इधर देखो पी स्मॉलर है, यहाँ पर क्या है, ये ग्रेटर है, तो पहला क्या हो गया, गलत हो गया। क्यू और एक्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्यू यहाँ पर है और एक्स यहाँ पर है, कॉमन क्या है, कुछ नहीं है, तो आर से W, W से यहाँ पर जाएगा, दूसरा भी क्या हो गया, गलत हो गया है। 92 की बात करते हैं, Q और N के बारे में बात करते हैं, Q यहाँ पर है और N यहाँ पर है, कॉमन क्या है भैया, कॉमन क्या है, S, Q से S, इसका पहला सही है, W ग्रेटर इक्वल टू O, W हो ही नहीं सकता ग्रेटर इक्वल, केवल पहला सही है। अगला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करो,
जल्दी सॉल्व करो अगला क्वेश्चन। बोला कि हाउ मेनी सच पेयर डिजिट्स इन देयर गिवन नंबर ईच ऑफ व्हिच हैज मेनी डिजिट बिटवीन देयर नंबर इन द नंबर सीरीज। ठीक है, मतलब वही पेयर फाइंड करना है जैसा हम लोग एबीसीडी में पेयर फाइंड करते थे। गिनती गिनो बस, 7 8 9, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यार देखो, 5 6 7, 5 6 7, 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 2 3 4, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 8 9 8 9, 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6, कितने पेयर मिले? मोर देन 4। ऑप्शन तो देखा ही नहीं था मैंने। चार से ज्यादा है यहां पर। अगला क्वेश्चन है, उन्होंने बोला है, ध्यान से सुनो, सारे वोवेल को पहले अरेंज करना है अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहले सारे वोवेल को अरेंज करना है लेफ्ट से राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले क्या? ए। ए से बड़ा क्या? ई। ई से बड़ा क्या? आई। आई से बड़ा क्या? ओ। क्लियर इतना? क्लियर इतना? जब सारे वोवेल कर लोगे उसके बाद फिर सारे कंसोनेंट करना है, लेकिन मेन बात यह है कंसोनेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने बोला है विच लेटर इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो फोर्थ लेटर कौन सा आएगा? क्लियर है? तो सबको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी हम लोग को। अगला, ये गलत है, ये मुझे दो डायग्राम बनाना पड़ेगा। ना जाओ भाई, चलो भैया, दो पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों चेक कर ली जाए। बोला क्या है कि पी सी थर्ड टू द राइट ऑफ एस, तो मान लेते हैं एस यहाँ बैठा है, 1 2 3, पी यहाँ पर बैठा है। ओनली 3% इन पी एंड यू क्यू, पी और क्यू के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3 छोड़ के क्यू यहाँ पर। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एस तो यहीं रहेगा, 1 2 और थर्ड में पी आ जाएगा, तो क्यू यहाँ आ जाएगा। अगला बोला गया है यू सिज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू का थर्ड लेफ्ट, 1 2 3, यहाँ पर कौन आ गया? यू आ गया। अगला बोला गया है कि यहाँ पर ये जाओ, क्यू का थर्ड लेफ्ट, 1 2 3, यू यहाँ पर आ जाएगा। अगला बोला गया है क्या, यू सिज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यू जो लेफ्ट हैंड से 5वें नंबर पर है, यहाँ पर सही है, यहाँ पर ये आ जाएगा 5वें नंबर पर, 1 2 3 4, 5वें नंबर पर आ गया है। आर सिज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू का थर्ड लेफ्ट, आर यहाँ पर आ जाएगा भाई। अगला बोला कि ओनली 3% इन डब्ल्यू एंड टी, टी हु इज इन मेंबर ऑफ आर, टी जो है आर का पड़ोसी है, तो बोला गया था टी और डब्ल्यू में 3 लोग हैं। मान लेते हैं टी यहाँ बैठा, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर नहीं आ पाएगा, इसका मतलब टी यहाँ जा दो, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर कौन आ जाएगा भैया? क्या बोला गया था? डब्ल्यू, डब्ल्यू यहाँ कर दिया जाएगा। कोचिंग कब खुलेगा? सी एन डी, कोचिंग कब खुलेगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओनली 6% सिट टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू ग्रैंड में केवल 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। अगला बोला गया है कि ओनली 3% एम सिट्स इन लेफ्ट ऑफ ओ, एम जो है ओ के तुरंत लेफ्ट साइड है, कहाँ आ सकता है? केवल यहीं आ सकता है। अगला बोला गया है ओनली 3% बिटवीन एम एंड एच, एम और एच के बीच में केवल 3 लोग हैं, तो भैया 1 2 3 छोड़ के एच को यहाँ कर दिया जाएगा। अगला बोला गया है एच ओ डज नॉट सिट लेफ्ट टू पी, ओ जो है पी के क्या यार, गलत हो गया क्या कहीं पर?
पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ एस, पी जो है एस के थर्ड राइट है, 1 2 3 सही है। अगला बोला कि ओनली 3% इन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में 3 लोग हैं, सही है। अगला बोला कि यू सीज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, यू जो है क्यू के थर्ड लेफ्ट है, सही है। यू सीज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, यू जो है लेफ्ट एंड से 5वें नंबर, 1 2 3 4 5 सही है। अगला बोला कि हाँ ओनली थ्री पर आर सीज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, 1 2 3 सही है। अगला बोला गया है कि ओनली 3% डब्ल्यू एंड टी, डब्ल्यू और टी के बीच में 3 लोग हैं, सही है। और टी जो है किसका पड़ोसी है, टी इज एन यूनिवर ऑफ आर, टी जो है आर का पड़ोसी है, 1 2 3 यहाँ पर नहीं आ पाएगा, ठीक है। ये हो गया है ओनली 6% सिट टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के राइट में कुल 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गया है। अगला बोला गया है कि एम सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, एम जो है ओ के तुरंत लेफ्ट साइड है, अगर वहाँ ना रखते तो कहाँ जाता, कहीं ना जा पाता। वही तो बोल रहे हैं, कहीं गलत हो गया तो वही हम देख रहे हैं, दूसरी पॉसिबिलिटीज। यहाँ पर क्या था जरा, इसमें क्या गलत हुआ था, रुको देखते हैं एक मिनट। ये पॉसिबिलिटी तो गलत हो गई क्योंकि यहाँ पर गलत आंसर आ गया है। चलो इसमें देख लेते हैं भैया, ऑल ऑफ देम फेसिंग नॉट डर है, पी सी थर्ड टू द राइट ऑफ एस, पी जो है इसके थर्ड राइट बैठा है, ओनली 3% सिट इन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में केवल 3 लोग हैं, सही है। और अगला बोला यू सी फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड द रो, यू जो है लेफ्ट एंड से 5वें नंबर पर है, और यू सी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, ये भी हो चुका है, आठ से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, आठ से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, 1 2 3 चलो ये देख लेते हैं। चलो ये गलत हो गया है, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला बोला गया है कि आर से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू हो चुका है, ठीक है। ओनली 3% बिटवीन डब्ल्यू एंड टी, डब्ल्यू और टी के बीच में केवल 3 लोग हैं, और टी किसका पड़ोसी है, आर का पड़ोसी है, टी यहाँ कर दिया जाएगा, ठीक है। और बोला गया था कि ओनली 6% सिट टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के राइट में केवल 6 लोग हैं, ठीक है। तो अगर इसका मतलब डब्ल्यू को यहाँ कर दोगे तो राइट इधर जाएगा, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे डब्ल्यू, और डब्ल्यू के राइट में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, ओनली 6% सिट टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। अगला देखो, ओनली 3% डब्ल्यू टी, डब्ल्यू टी के बीच में केवल 3 लोग हैं, और टी जो है आर का पड़ोसी है, हो गया। ओनली 6% सिट टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के राइट में केवल 6 लोग हैं, सही है। एम सिट्स इन लेफ्ट ऑफ ओ, एम जो है ओ के तुरंत लेफ्ट साइड है, पता नहीं। ओनली 3% इन एम एंड एच, एम और एच के बीच में केवल 3 लोग हैं, कहीं पे राइट कुछ बोला गया था, ऑल एंड फेसिंग नॉट एज पी सी थर्ड टू द राइट ऑफ एस, ये हो चुका है। ओनली 3% बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में केवल 3 लोग हैं, सही है। यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, सही है। यू सिट्स फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यू जो है लेफ्ट हैंड से 5वें नंबर पर है, सही है। अगला बोला गया है कि आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, आर जो है यू के थर्ड लेफ्ट है, सही है। ओनली 3% बिटवीन डब्ल्यू एंड टी, डब्ल्यू टी के बीच में केवल 3 लोग हैं, सही है। ओनली 6% सिट टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के राइट में केवल 6 लोग हैं, सही है। एम सिट सिम लेफ्ट ऑफ ओ, एम जो है कितना लेफ्ट साइड है, ओनली 3% बिटवीन एम एंड एच, ओ डज नॉट सिट लेफ्ट ऑफ पी, एच डज नॉट सिट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द रो। तो बोला गया था क्या कि ओनली 3% बिटवीन एम एंड एच, कहाँ गया ये, एम जो है ओ कितना लेफ्ट साइड है, अगर एम को यहाँ कर दिया जाए मान लेते हैं, तो क्या बोला गया था, एम एच के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, नहीं हो पाएगा। एम को यहाँ कर दिया जाए, एच और ओ को यहाँ कर दिया जाए, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा। ओ जो है किसी एंड पर बैठ, पी एच डू नॉट सी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द रो, एम सिट्स इन लेफ्ट ऑफ ओ, कंप्लीट है, बन गया। अब एकदम सही होगा ही होगा, दो पॉसिबिलिटीज थी, दोनों पॉसिबिलिटी चेक कर लिया, एक पॉसिबिलिटी गलत हो गई, दूसरी पॉसिबिलिटी तो सही होनी ही होनी है। मैंने तो पहले ही कहा था कि जब भी सर्टेन नंबर की बात आती है, दो डायग्राम बना के लेके चलो, दोनों डायग्राम एक साथ लेके चलोगे आंसर आ जाएगा। मैंने डायग्राम तो दो बनाए थे, लेकिन मैंने एक ही डायग्राम लेके चल रहा था, दोनों डायग्राम एक साथ लेके चलता तो वो तुरंत बन जाता, लेकिन मैं इस पर बनाने में फोकस कर दिया, इस ये वाला फिर लास्ट में गलत हो गया। किस्मत भी यही है, जिस पे हम फोकस करते हैं वो हमेशा धोखा दे देता है।
लास्ट क्वेश्चन है, हंड्रेड तो भैया परिवार में 6 लोग हैं, 3 जनरेशन है। यू इज सन लॉ पी, यू जो है सन इन लॉ है, किसका सन इन लॉ है भैया? पी का सन इन लॉ है। चलो ये हो गया है। क्यू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एस, क्यू जो है ब्रदर इन लॉ है किसका? एस का। चलो भैया एस इज द ओनली चाइल्ड ऑफ आर, एस इज द ओनली चाइल्ड ऑफ आर, ठीक है। पी इज नीस ऑफ क्यू, आर इज मैरिड टू पी, ठीक है। और बोला गया था क्यू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एस, क्यू जो है ब्रदर इन लॉ है किसका? एस का ब्रदर इन लॉ है। तो सिंपल सी बात है, हाँ सी एन डी आ जाए, क्योंकि पी का जेंडर डिसाइड नहीं होगा तो दूर से दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये दूर से ही दिखाई दे रहा है कि पी का जेंडर डिसाइड नहीं होगा, हाउस पीरियड टू पी का जेंडर डिसाइड नहीं होगा, दूर से ही दिखा दे रहा है। लेकिन मेन बात ये है, तो यू इज द सन इन लॉ पी, यू जो है दामाद है, दामाद है, तो भैया इसको यहां कर दिया जाए। कौन दामाद है? यू दामाद है, ठीक है। क्यू इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एस, क्यू जो है ब्रदर इन लॉ है किसका? एस का। यहां कर दिया जाए। अगला बोला गया है आर इज मैरिड टू पी, आर की शादी पे, टी नीस ऑफ क्यू, टी जो है नीस है किसकी? क्यू की। ये रहा पूरा हम लोग का ब्लड रिलेशन। पी का जेंडर वैसे ही बगैर सॉल्व किए वैसे भी बता सकते थे कि पी का जेंडर डिसाइड नहीं होगा। तो भाई इसी के साथ 100वां क्वेश्चन हो चुका है, 100 क्वेश्चन कर चुके हैं, और इसी साथ आज का पेपर यहीं समाप्त होता है। अभी कुशवाहा बोला, अरे मैं तो यूं ही बोल रहा था, कहाँ बोल दिया भैया ऐसा? रुको देखना पड़ेगा मुझे। आइदर ए और बी बोल रहे हो क्या? हेमंत गुप्ता सर के शब्दों में कहें तो सब के सब आतंकवादी हो, कोई एक पर्सन नहीं है। तो चलो भाई, हाँ बिल्कुल 12:20 से मिलेंगे। कुछ बातें ऐसी होती हैं ना, मतलब कि यहाँ पे हम नहीं कह सकते लेकिन वहाँ पे हम जरूर कह सकते हैं, तो वहाँ मिलते हैं तो ही बताते हैं सबको। कैन नॉट डिटरमाइन है क्योंकि आइदर और का ऑप्शन नहीं है। चलो भैया थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं 12:20 पे। तब तक लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं है अभी, चलिए ओके, मिलते हैं 12:20।